वेलकम व्यूअर्स, ये मेरा और एक वीडियो है और आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आप जो देख रहे हैं वो एक मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिज़ायर है पेट्रोल। इसके इंजन के नीचे में से बहुत सारा नॉइज़ आ रहा है जब कस्टमर अपनी गाड़ी रफ रोड पे चलाता है, तो ये नॉइज़ बहुत सारा आता है टक 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 करके इंजन के नीचे से। तो शुरू करते हैं नॉइज़ देखने के लिए कहाँ से आता है। ये है लिंकेज रॉड, ये सही है। लोअर आर्म रबर बुचिंग, ये भी सही है। और ये लोअर आर्म बॉल जॉइंट, ये भी सही है। यहाँ कुछ नॉइज आता है। एक कैलीपर पिन ख़राब है, इसके कारण ही नॉइज़ आता है। यहाँ से वो नॉइज़ आता है जब आप रफ रोड पे गाड़ी चलाते हैं, तो खड़ा 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 करके आवाज़ आता है। दूसरे साइड से देखते हैं, इस साइड में उतना नॉइज़ नहीं है, लेकिन पिन तो जर गई है, थोड़ा आवाज़ कर रही है, इसको भी बदलना होगा। बाकी सब सही है। डिस्क में बहुत लाइनिंग है, डिस्क को थोड़ा लेथ पे सर्विस करके लेना पड़ेगा और पैड्स भी बदलना पड़ेगा। पैड्स जर गए हैं, इसको भी बदलना होगा। यही वो पिन है जो आवाज करती है। ये कैलीपर कैरियर है, कैरियर ब्रैकेट है। इसके बुशिंग जर गए हैं। तो देखते हैं पहला कैलिपर पिन और कैरियर ब्रैकेट नया मिलता है क्या कंपनी में जाके।
कैलिपर को ऐसा हैंग करके रखना पड़ता है, नहीं तो ये हाई प्रेशर पाइप फट सकता है। ये कैलिपर ब्रैकेट तो कंपनी में नहीं है, कंपनी में बोलते हैं पूरा कैलिपर सेट लेके जाओ, बहुत महंगा है, 4-5 हज़ार के आसपास है। तो लेथ पे जाके ये थोड़ा बाय द टाइम इसको स्लीविंग करके ले लिया कैलिपर पिन को। ये नायलॉन स्लीविंग है, लेथ पे करके देते हैं कस्टमर को, तो गाड़ी अर्जेंट चाहिए, इतना दिन तो नहीं रख सकता है, तो फिलहाल देखते हैं कितना टाइम तक चल सकता है। ये बिठा के दे देते हैं कस्टमर को। और ये डिस्क भी रिसर्फेस करके ले लिया लेथ पे, अभी ब्रेकिंग भी अच्छा होगा तो इसको अभी इंस्टॉल कर देते हैं। ये कैलिपर पिन की स्पेशल ग्रीस है, पैकेट में मिलती है, अच्छी तरह लगाना होता है नहीं तो कैलिपर पिन सीज हो सकती है। मेटल ब्रश है, इसे क्लीन करना अच्छा होता है। थोड़ा सा हल्का ग्रीस सपोर्ट क्लैंप को लगाना होता है। नया ब्रेक पैड्स, कैलिपर पिंस बराबर प्ले में है।
अभी देखो बिल्कुल नॉइज़ नहीं है, कैलिपर पिन की बराबर हो गया। इस साइड में अभी टायर फिट करवा देते हैं। दूसरे साइड में तो सेम प्रोसीजर है, दूसरे साइड का वीडियो मैं नहीं बनाऊंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये गाड़ी अब बिल्कुल ठीक हो गई, कोई किसी प्रकार का कोई आवाज़ नहीं है इंजन के नीचे, और ब्रेकिंग भी अच्छा हो गया, ब्रेकिंग को अच्छी ग्रिप आ गई। आपने देख लिया अगर आपके गाड़ी में कैलिपर की नॉइज़ आ गई तो उसको कैसे रिपेयर करते हैं, आपने सीख लिया। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो वेरी हेल्पफुल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी दे दीजिए। तो मिलते हैं आज के वीडियो में, बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।